अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एएस फैमिली ब्लॉग्स। और आज है 6th सहरी, है ना। आप सबको मुबारक। तो आयान को अभी उठाऊंगा मैं, मैंने खाना गर्म कर दिया है, उस तरफ चाय रख दिया है, तो आयान को उठा के मैं लेती हूँ। और इना यहाँ पे सो रही है, और इस तरफ आयान आयान को ब्लैंकेट चाहिए, मतलब थोड़ा एसी ऑन कर देते ना तो ठंडा लगता है इसकी वजह से। आयान आयान बाबू उठो, सहरी करना है, आओ खाना खिला दूंगी, आओ आयान उठो, सहरी करना है, आओ। तो नींद में बात करने लगता है आयान कभी भी, आओ। फिर से लेट गया है, देखिए इसका पापा जगाएंगे तो जल्दी एक ही बार में उठ जाएगा। आयान ओ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है, आओ। क्या खा रही है? क्या है ये? हॉर्लिक्स। ऐसे ही खाना है, रोजा नहीं है तुम्हारा? खा के रोजा रखती हो तुम? ये कौन सा रोजा हुआ? खा खा के रोजा, न्यू रोजा आया। न्यू रोजा है ये? अच्छा, ये तुमने इन्वेंट किया है ना। और टीवी पर क्या देख रही हो? नाम कुछ नहीं है, पता नहीं, कुछ ड्राइंग का कुछ देख रही है शायद। तो आयान और इनाय जा रहे हैं अरबी पढ़ने के लिए, इनाय इधर लगा रही है ना, हो गया, हिजाब पहनो, अभी नहाया है इसने इसलिए बाल गीला है। इधर देखो, ठीक कर दीजिए, हाँ अच्छा, बाल अंदर कर लो, इधर आओ मेरे पास में आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। धीरे धीरे जाओ, जाओ भाईजान गया, सैंडल पहन लो, चप्पल पहन लो, सबको इग्नोर करें क्योंकि यहाँ पे इनका काम चल रहा था। तो अभी वो गए हैं दूध लेने के लिए, धूप तो थी, बहुत धूप है आज, धूप इतना नहीं था, सॉरी आज इतना धूप नहीं था। तो अभी मौसम ऐसा मतलब लग रहा है थोड़ी देर से जैसे अभी बारिश हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और आज मैं इफ्तार में बना रही हूँ लच्छा वाला पकौड़ा आलू का, और काली चने मैंने रख दिया है। और सहरी में मैं बना रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा कीमा था उसी दिन लेके आए थे जिस दिन रोज़ा स्टार्ट हुआ था ना, तो उसी का मैं थोड़ा सा बिरयानी बना रही हूँ। आयान बोल रहा था बिरयानी खाना है, नहीं खाना है, थोड़ा सा बना दूँगी, सहरी में हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है कीमा इसलिए। और इफ्तार में बस दो ही आइटम है, और फ्रूट्स और शरबत रहेगा। बार बार आलू हाथ से गिरती है।
आयान और इनायत खेल रहे हैं, इनायत साइकिल चला रही है, आयान अपने दोस्त के साथ बॉल फुटबॉल खेल रहा है और इनाया अपने फ्रेंड के साथ साइकिल चला रही है। आलू को ऐसे हमें लंबे लंबे घीस लेना है आलू के लच्छे के लिए। एकदम सिंपल और इजी रेसिपी है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, पर फिर भी मैं बता दूँगी अगर किसी को मालूम नहीं होगा तो ट्राई कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा टेस्टी पकौड़ा बनता है, क्रिस्पी बाहर से अंदर से थोड़ा सा नरम। पाँच बजने में और 15 मिनट है, असर का मैं नमाज नहीं पढ़ा है, कभी मैं असर का नमाज पढ़ लूँगी आने के बाद। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू लिया था, बाकी मैं क्या क्या ऐड करूँगी मैं आपको बताऊँगी। तो ये वाला सना बना रही हूँ मैं काली चने, और ये उस दिन तो इन्होंने बनाया था तो आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि ऑफिस रहता है तो काम ज़्यादा रहता है, अगर काम कम रहता है ना जिस दिन तो वही उसी दिन बनाते हैं, तो आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लच्छे वाले आलू के लिए 3 मीडियम साइज़ आलू लिया था और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, तो मैंने प्याज को भी स्लाइस में कट कर लिया है। स्लाइस अगर प्याज नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, पर मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं अभी ऐड करूँगी भर के बेसन, मैंने यहाँ पे बेसन लिया है 2.5 टी टेबल स्पून। चावल का आटा 1 टेबल स्पून, बस थोड़ा सा और। ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और करी पत्ता। चुटकी हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, आप चाहे तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि इनाय और आयान है। नमक स्वाद अनुसार, नमक का ही पता नहीं चलता है। 1 चुटकी शक्कर, 1/2 टीस्पून करीब साबुत जीरा लिया है मैंने, जीरा को थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लूंगी। तो ये ऐड कर रही हूँ, और हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है ऐसे ही, क्योंकि आलू में पानी होता है, तो इसको भी अच्छे से हाथ से ही मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको आपको थोड़ा सा गीला गीला लगता है तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। मैंने पानी थोड़ा सा भी ऐड नहीं किया है, तो ये कैसा सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरह हमारा तेल गरम हो चुका है, तो ये अच्छे वाले पकोड़े फ्राई कर लेंगे।
से हमें अल्टी पल्टी करके फ्राई कर लेना है अच्छे से। तो आयान इस तरह बना रहा है शरबत, और रमज़ान के दिनों में शरबत आयान ही बनाता है, जो भी शरबत हो। तो आज बना रहे हैं रसना शरबत, है ना। तो यहाँ पे आयान ने डाला है नॉर्मल पानी और थोड़ा सा फ्रिज का पानी। कितना कितना डालोगे बोल देना, ठीक है। रसना लेके आना है, खत्म होने वाला है आज, सब जाएगा। फर्स्ट स्पून पूरा डाल दो, उसमें ढाई स्पून आएगा, डाल दो, डालो और थोड़ा सा डालो। शक्कर नहीं डालेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मीठा रहता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो बन गया। ये तो एकदम सिंपल शरबत है, जो रूह अफजा वाला शरबत है वो किसी दिन बता देना तुम, ठीक है। तो बचपन में ये चीजें कौन कौन करते थे? हम लोग तो करते थे। आप करते थे? नहीं करते थे? नहीं, हम लोग करते थे। ये वाला फैन नहीं था, वो छोटा वाला फैन रहता ना, टेबल फैन। हम लोग सिर्फ वो मुक्का खाते थे, अच्छा, लेकिन ये सब नहीं करते थे। नहीं, हम लोग उंगली नहीं डालते थे, सिर्फ ऐसे आवाज निकालते थे सामने से। مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة ताकि हम दोनों साथ में जन्नत जा सके और मुझे घर से नीचे नहीं। हमारे मतलब नवीजान का भी ये सुन्नत था कि वो अपनी बीवी को इफ्तार के वक्त खजूर खिलाते थे और सहरी के वक्त। तो इसलिए हर शौहर अपनी बीवी को इफ्तार के वक्त और सहरी के बाद खजूर खिलाए। तो यहाँ पे आयान बाइक को प्रैक्टिस कर मतलब साबित से नहीं, बस ऐसे ही कोशिश कर रहा है। हाँ। बस रहने दो, बारिश हो रही है, बगीरा मौकी का बगीरा नहीं है, बारिश हो रही है, बारिश बारिश हुआ और रुक गया बारिश। तो बारिश हो रही है एकदम धमाकेदार तरीके से, आप देख सकते हैं। इस तरह चाय से लाइट नहीं है, जबरदस्त बारिश, इसका हमको बेसब्री से इंतज़ार था। तो यहाँ बन रही है बिरयानी, शायद से कीमे की, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, वो उस दिन लेके आए, 100 ग्राम ज़्यादा शायद है, मतलब स्टार्ट रोज़ा स्टार्ट होना उसी दिन लेके आए थे, तो उसी का ही थोड़ा रख दिया था। फटाफट बना रही हूँ सहरी के लिए, और इनायत खा लेगी थोड़ा सा, आयन को मन होगा तो आयन भी थोड़ा सा खा लेगा रात को। अच्छा,
ये सब रोमांस चलते रहता है रमजान में भी। तो क्या हुआ, ये सुन्नत है अपने शौहर को और बीवी से मतलब प्यार करने का ये सब? हाँ, सिर्फ एक ही बीवी है, सबका एक ही रहता है। वो किसी का रहता है? दो तीन। दो तीन पर वो जायज नहीं है। कौन है? अगर रखना भी है तो पहली बीवी को, नहीं तो सेकंड बीवी को पूछ के ही आप कर सकते हैं। अगर उसने मना कर दिया तो हराम हो गया, वो हलाल नहीं है। चलो ठीक है, फिर सोच ही लो बस। La 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 la